आज इन्होंने जो पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ाई है, जिसका सारी सारी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बेचारा निचला तबका पिस जाएगा, सफेद पोश पिस जाएगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करती है कि आपकी मंडी लगी हुई है सिंध हाउस के अंदर 20-20 करोड़ के ऊपर आपके एमएनएस बिक रहे हैं? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई है, तो क्या उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी? इनके पास तो रोड मैप ही नहीं है। बजाय कॉन्सेंट्रेट करें इकोनॉमी के ऊपर, उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट था कि NRO2 ले लो। इन्होंने जो नया कानून पास किया, सारे पुराने केसेस करप्शन के सब खत्म हो जाएंगे। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि बाय इलेक्शन में जो धांधली का प्लान बना हुआ है और जो होने वाला है, ये पूरा हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को डिस्क्रेडिट करने वाला है। जो पाकिस्तान इधर इस वक्त तेजी से जा रहा है, जिस तरफ मुझे खौफ है कि ये श्रीलंका की तरफ जा रहा है, एक चीज निकाल सकती है इस मुल्क को इस दलदल में जिसमें फंसते जा रहे हैं, वो एक चीज है, साफ और शफाफ इलेक्शन। आपने इंतजार कर रही है, मैंने आपको कॉल दूंगा और आपने सब ने मेरे साथ निकलना है।